एवरीवन, आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? सो ये है ब्लॉग डिजली लैंड का, आप सब टाइटल और थंबनेल से समझ गए होंगे। और ये ब्लॉग है डिजनी लैंड में एक्वेरियम का, जो आप लोग ब्यूटीफुल सा ब्लॉग इंजॉय कर, और इतना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फिश था कि आप देखते ही रह जाएंगे। और ये सारे बच्चे मेरे नानी घर के हैं, और ये सारे नानी घर के हैं, और ये लोग चले गए। मैं बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। लग रहा है कि कौन चला गया, मतलब कल ही गए हैं ये लोग, और इतना याद आ रहा है इन लोग का, मन ही नहीं लग रहा है। स्पेशली कन्हैया, मतलब छोटा सा बच्चा था, 6 साल का है, उतना याद आ रहा है इसमें। हम आपको फ़ोटो ऐड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। तो ये ब्लॉग है ना एक्वेरियम का और मरीनी ड्राइव का। तो हम लोग एक्वेरियम डिजली लैंड गए थे और मरीनी ड्राइव गए थे। सो आप सब देख सकते हैं फिश, मैंने शॉर्ट में ही डाल दिया था कि आप लोग देख सकें। बहुत सारे शॉर्ट के लिए रेडी है, बट मैं नहीं डालूँगी तुरंत, मैं डिलीट कर दूँगी। मैं सारा, मतलब वीडियो में स्टोरेज फुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज फुल हो जाता है गाइस। और आप सबको ये प्यारा प्यारा फिश कैसा लग रहा है, आप सब सुंदर देखिए, बहुत सुंदर फिश है। बच्चे लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। चल पीयूष, खड़े हैं, मन ही नहीं लग रहा है ये लोग के बिना। और ये बच्चे लोग इतने बड़े हो गए हैं, इतने बड़े हो गए कि मैं सोच ही नहीं था। और ये लोग इतने छोटे थे जब मैं गोदी लेती थी लोग को, एंड बहुत गोदी इन लोग को ली हूँ, इतना ली हूँ कि मत पूछे। नानी घर जाती ही थी कि बच्चों को गोदी लूँगी, बहुत मजा करूँगी। छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे, इतने क्यूट थे ना ये लोग, बहुत क्यूट थे, बहुत ज़्यादा ही क्यूट थे। बहुत प्यारा मछली देख सकते हैं आप सब लोग। एक्वेरियम का मजा लेने के बाद यहाँ एक राइडिंग में करवा दी बच्चे लोग को। ये लोग देखिए इतने बड़े हो गए तब भी। ये कन्हैया था जो छोटा वाला बच्चा था, ये कन्हैया था, और ये सब आप देख सकते हैं। और ये मरीनी ड्राइव का है ब्लॉग, बहुत सुंदर लग रहा था मरीनी ड्राइव रात को उस टाइम, इतना सुंदर लग रहा था ना। ये पीयूष, पीयूष को भी हम बहुत मिस कर रहे हैं। आई मिस पीयूष, आ जाओ तुम बाबू। दीदी बहुत मिस कर रही है, ऐसा हमको लग रहा है ना कि वो लोग कैसे भी आ जाए। और मतलब गुड़िया दीदी करने लगे मरा, और इतना सुंदर व्यू आ रहा था ना, देख सकते हैं आप सब मरीनी ड्राइव का। एंड सेकेंड टाइम, मैं थर्ड टाइम मरीनी ड्राइव गई हूँ। और ब्यूटीफुल सा ब्लॉग है गाइज, आप लोगों को होप सो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे ब्लॉग को।
और इस सब से विदा लेती हूँ। और ये ब्लॉग बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि ग्रोइंग बच्चे हैं, कब ना कब नानी घर जाऊँगी, कब ना कब बच्चे आएंगे मेरे घर, तो जब भी देखूँगी लोग बड़े लगेंगे। और एक छोटी सी प्यारी सी याद है और इन लोग के साथ प्यारी सी ये यादें हैं 2023 की, तो बता नहीं सकती हूँ। और अप्स एंड डाउन तो चलते ही रहते हैं। हाल फिलहाल में मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए ये दादाजी का तबीयत ठीक नहीं है, दादाजी हॉस्पिटलाइज हैं मेरे, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ है कि दादा जी कब हॉस्पिटल से निकलेंगे आएंगे, मतलब आज तो आईसीयू से इंचार्ज डिस्चार्ज होने वाले हैं और घर पे कब आएंगे। प्लीज़ गाइज आप लोग प्रेयर कीजिएगा मेरे दादाजी के लिए। और ये मैं ब्लॉग डालने नहीं चाहती थी क्योंकि मेरे दादाजी भी हॉस्पिटल में है और उनके चलते परेशान हूँ मैं, सर में भी बहुत परेशानी टाइप का अजीब टाइप का लगता है। सो गाइज मेरे लिए भी प्रेयर कीजिएगा कि जो मैं परेशानी से गुजर रही हूँ वो ख़त्म हो जाए और मैं पहले की तरह फिट एंड फाट हो जाऊँ। सो गाइस आप सबसे विदा लेती हूँ एंड थैंक यू सो मच टू वॉच माई चैनल एंड बाय बाय।